नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इन्फोसिस कंपनी की तरफ से चैट सपोर्ट एंड वॉइस सपोर्ट के लिए वर्क फ्रॉम होम वैकेंसी आ रखी है, और अगर आप मेल या फीमेल हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं हो रखी है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 12th पास मांगा गया है, और आपको पता है कि कस्टमर सपोर्ट में क्या काम करना होता है। कस्टमर्स की क्वारी रिजॉल्व करनी होती है कॉल के थ्रू या चैट के थ्रू, तो इसमें आपको चैट सपोर्ट भी और कॉल के थ्रू भी दोनों के लिए ही वैकेंसी आ रखी है। और यहाँ पे ये वैसे तो वर्क फ्रॉम होम जॉब वैकेंसी है जब आप अपनी लोकेशन फिल करते हैं, लेकिन इनकेस फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट होती तो वो आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस भी बुला सकते हैं। परमानेंट वर्क फ्रॉम होम नहीं है ये, ठीक है। और सैलरी आपके यहाँ से 20,000 से 40,000 के बीच में रहने वाली है, जो कि डिपेंड करेगा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, आपकी पास्ट सैलरी कितनी थी, मतलब पहले आप कितनी सैलरी ले रहे थे उसके बिहाव पर आपकी 20 से 40 हज़ार के बीच में सैलरी रहने वाली है। अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है, हिंदी आती है, तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस के लिए भी इन्फोसिस हायर कर रही है, और हिंदी के अलावा भी आपको कन्नड़, बंगाली और भी अदर जो लैंग्वेजेस होती हैं लोकल लैंग्वेजेस अपनी, वो आती हैं, तो तब भी आपको यहाँ पे हायर किया जा रहा है। और अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम अगर आपको मिलता है, तो यहाँ पे आपको सेटअप वगैरह पूरा कंपनी के थ्रू मिलने वाला है। आइए हम आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक करेंगे, अप्लाई हियर के सामने एक लिंक है, तो आपके सामने फॉर्म फिल हो जाएगा। वो मैं शो कर देता हूँ कि आखिर किस तरीके से वो आपको फिल करना है। आइए फिल करते हैं। देखिए, जैसे कि फॉर्म ओपन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, कस्टमर केयर सर्विसेज, और सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो लेवल है वो क्या है। एक्सीलेंट, गुड, फेयर, एवरेज, पुअर, तो मैं यहाँ पे गुड लगा देता हूँ। नेक्स्ट वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा। ये इस बेसिस पे जो आप फॉर्म फिल करेंगे, इस बेसिस पे ही आपको वहाँ पे एनालाइज कर लेंगे जो HR है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, आपको मौका दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर आपको ये चीज़ें बहुत ही केयरफुली भरनी है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या आप वर्क फ्रॉम ऑफिस से कोई इशू तो नहीं होगा आपको, ठीक है। ओके विद वर्क फ्रॉम ऑफिस, कस्टमर सर्विस, सैलरी 14 से 32 हज़ार, रोटेशनल शिफ्ट, रोटेशनल वीक ऑफ, तो यस, वैसे वर्क फ्रॉम होम है बट ए वर्क फ्रॉम ऑफिस आपको बुला सकते हैं, पहले ही मैंने आपको इन्फॉर्म किया। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आएगा इफ़ सेलेक्टेड हाउ सून कैन यू स्टार्ट योर जॉब, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो कितनी जल्द से जल्द आप हमारे पास जॉब कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप फ्रेशर हैं तो विद इन 7 डेज कर दीजिए, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो फिर भी आपको 14 से 20 दिन से ज़्यादा मत कीजिएगा, आपके शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे 14 डेज कर देता हूँ। नेक्स्ट कर देंगे आप। करंट सिटी आपसे पूछी जा रही है, अभी आप किस सिटी में रहते हैं, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। हम ये गुड़गांव और नोएडा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा गया इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद जॉब डिस्क्रिप्शन, यू हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट मल्टीपल लोकेशन एज लॉन्ग एज दे आर विद इन अ 24 किलोमीटर रेडियस, ठीक है। आप मतलब इनमें से किसी भी जॉब के लिए कर सकते हैं, जैसे मैंने गुड़गांव वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो आप इसमें से कौन सा करना चाहेंगे पूछा जा रहा है, गुड़गांव या नोएडा। तो गुड़गांव में वॉइस, चैट, प्रोसेस, इंग्लिश, HSC, फ्रेशर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, 30K टेक होम, एक नोएडा का ऑप्शन है, नोएडा वॉइस, प्रोसेस, इंग्लिश, HSC, फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, 18K टेक होम, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ गुड़गांव वाले पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। आपको मैं फॉर्म भरना बता देता हूँ किस तरीके से आपको फिल करना है। ऑन पेपर एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, अगर आपके पास आप फ्रेशर हैं तो एक्सपीरियंस यहाँ पे सबसे ऊपर फ्रेशर का ऑप्शन है, उस पर सेलेक्ट कर देंगे आप। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मिनिमम 6 मंथ्स का भी, तो वो कर देना है आपको, तो हम यहाँ पे फ्रेशर कर देते हैं, ठीक है। और इफ़ यू हैव प्रायर वर्क एक्सपीरियंस प्लीज़ सेलेक्ट द नेम ऑफ द कंपनीज, अगर आपके पास पहले से ही एक्सपीरियंस है किसी कंपनी में आपने काम किया है तो उस कंपनी का नाम लिखना है, यहाँ पे लिस्ट दी गई है। अगर इनमें से कोई भी आपकी कंपनी का नाम नहीं है, अदर पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप उस कंपनी का नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैं XYZ लिख देता हूँ ऐसे एग्जांपल के लिए, आप अपनी कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पे पूछा गया है शेयर अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस और सेल्स इंक्लूडिंग द नेम ऑफ योर लास्ट 3 एम्प्लॉयर्स, यहाँ पे आपको ये फिल करना है कि पिछली लास्ट 3 किन कंपनियों में, अगर फ्रेशर हैं तो खाली छोड़ सकते हैं, फ्रेशर लिख दीजिए, NA लिख दीजिए नॉट अवेलेबल, तो हम यहाँ पे NA लिख देते हैं। लेकिन आपको लिखना ये है लास्ट पास्ट 3 जितने भी आपके एम्प्लॉयर्स, मतलब जो कंपनियाँ रही जिनमें आपने काम किया उसमें आपका क्या रोल था, क्या सैलरी थी,
कितने टाइम तक आपने काम किया, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। लास्ट आप यहाँ पे लिखा नेट मंथली टेक होम सैलरी, लास्ट जो इस जॉब में अप्लाई करने से पहले जो आप सैलरी ले रहे हैं इन हैंड, वो सैलरी यहाँ पे मेंशन कीजिए। यहाँ पे हम 25,000 लिख देते हैं, मतलब वो तो आप फ्रेशर हैं तो आप लिख दीजिएगा 0, अगर एक्सपीरियंस है जो भी सैलरी ले रहे हैं इन हैंड वो आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे लास्ट हैंड सैलरी बताई गई है तो किस रेंज में आती है, तो हमने 22 से 25 का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये वाली चीज़ें पूछी गई हैं, तो यहाँ पे राहुल तोमर और फादर का ओनली फर्स्ट नेम डालना है, तो यहाँ पे राज, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, मेल आईडी फिल करनी है और फिर जेंडर, और फिर यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना है, और यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कन्नड़ बोल लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, तमिल बोल लेते हैं, जो जो लैंग्वेजेस बोल लेते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद करंट सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कस्टमर केयर सर्विसेज, यू विल रिसीव अ व्हाट्सएप मैसेज इफ़ योर प्रोफाइल इज़ शॉर्टलिस्टेड। आपने फॉर्म भर दिया है, ये डायरेक्टली HR के पास आपके रिस्पॉन्स जाने वाला है। अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होती है आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आ जाएगा कि हाँ आप इसके लिए शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं। और इसके लिए पहले तो आपको अप्लाई कर देना है इस वीडियो को देख के। अगर आप इस पे एक डेडिकेटेड इंटरव्यू प्रोसेस पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस वैकेंसी के बारे में इन्फोसिस में जितनी भी कस्टमर सपोर्ट की वैकेंसी निकलती है उसमें आके किस तरीके का इंटरव्यू प्रोसेस रहता है वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो इस वैकेंसी में तो इतना ही, और अगर आपके कोई भी जानने वाले दोस्त फ्रेंड्स कजन्स अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए देख रहे हैं तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।